बोलते हैं हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक तरफ तो नए एनडीए गठबंधन की बैठक हुई। नए एनडीए गठबंधन इसलिए क्योंकि आप पिछली तस्वीर देखिए, चुनाव से पहले की एनडीए गठबंधन की जो तस्वीर थी उसपे कई लेयर बना रखी थी। तस्वीर जो खींची थी उसमें भीड़ ही भीड़ थी, काफी लोग नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो चुनाव के बाद परिणाम आए हैं, उसके बाद एनडीए गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें दो ही लाइन में तमाम गठबंधन के सहयोगी समा गए, उसी में तमाम फोटो एडजस्ट हो गई। अब ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तस्वीर में आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के करीब कौन खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी के करीब खड़े हैं नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। अब इन्हीं दोनों ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिनके पास कुल मिला के लगभग 28 सीटों का एक जमावड़ा है, खेल कर दिया। तैयारी तो हो रही थी कि बस अब शपथ ग्रहण होगा और बस सब मान गए हैं, सबकी शर्तें, सब बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, मान गए हैं तीसरी बार मोदी सरकार, और इसलिए कोई मामला इधर से उधर नहीं होगा। और इसीलिए बड़ा कॉन्फिडेंस ये आ गया था कि भाई सरकार तो हम बनाए। लेकिन हुआ क्या, बैठक हो गई, सबके सिग्नेचर ले लिए, सिग्नेचर वाली तस्वीरें आ गई, लेकिन राष्ट्रपति भवन तक कोई नहीं गया। सरकार बनाने का दावा करने के लिए राष्ट्रपति भवन तक की कदम नहीं चले इंडिया गठबंधन के। तो सबसे बड़ा खेल तो ये हो गया। और उससे बड़ा खेल किसने किया, उससे बड़ा खेल कर दिया नीतीश कुमार ने। आज सुबह से ही उन्होंने जो बयान देना शुरू किए हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसने बीजेपी के कान खड़े कर दिए। बीजेपी अभी चुनाव की जो सीटें गिरी हैं, जिस तरह से जीत के मार्जिन प्रधानमंत्री का घटा है, इंडिया गठबंधन की सीटें जैसे बढ़ी हैं, उसके सदमे से, उसकी उलझन से ही बाहर नहीं निकली थी कि अब नीतीश की पार्टी के तरफ से केसी त्यागी ने ऐसा बयान दे दिया कि लग रहा है कि अब भाई दाल यहाँ गलने नहीं वाली, सरकार बनाने में बड़ी अड़चनें आने वाली है। अग्निवीर योजना, जिसको गेम चेंजर बताया गया था, प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया था, दूरदर्शिता कहा गया था, तमाम लोग आए थे जो रिटायर्ड आर्मी से, तो कह रहे भाई बहुत बढ़िया है, ये तो चलना चाहिए, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तमाम देश का गोदी मीडिया कह रहा था कि अग्निवीर से बढ़िया तो कोई योजना हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी इसके खिलाफ डटे हुए थे, कहा था ये तो वापस करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या है, प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी पूरी स्कीम के खिलाफ जेडीयू ने कह दिया है कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। अभी सरकार नहीं बनी है, अभी सिर्फ बैठक हुई है, वो भी पहली, जिसपे अभी तय नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे या कोई और चेहरा आएगा। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही सब इत्तेफाक रखते थे तो फिर कल राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं गए, तमाम सहयोगी थे, सिग्नेचर सबके थे, जाते राष्ट्रपति भवन और जाके कहते कि हमें सरकार बनाने बनाने के लिए न्योता दीजिए, हम आ गए अपना समर्थन पत्र लेकर। लेकिन वो नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, नीतीश कुमार की तरफ से कह दिया गया कि भाई अग्निवीर पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कहा किसने था, राहुल गांधी ने। मतलब राहुल गांधी ने जो जो कहा वो तमाम चीजें अब हो रही हैं, चाहे नोटबंदी की बात हो, कृषि कानून की बात हो, और उससे पहले सीएनआरसी का मुद्दा हो, और कई ऐसी स्कीम से लैंड एक्विजिशन बिल हो, राहुल गांधी ने जो कहा वो होता चला गया। और ऐसे में जेडीयू अब दबाव बना रहा है, बिना सरकार बने दबाव बना रहा है कि भाई ये स्कीम तो आपको लेनी पड़ेगी वापस, क्योंकि इस पे तो लोगों ने वोट ही नहीं किया है, इसकी वजह से तो आप हार गए। प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शी कदम था वो दूर दूर तक चुनाव में नजर नहीं आया, इसलिए से तो वापस लीजिए। और दूसरा एक पेच और फंसा दिया, पेज क्या फंसा दिया, बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा यूसीसी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो इसके हीरो, बीजेपी के भीतर तो हीरो बन गए कि सबसे पहले प्रपोजल, सबसे पहले ड्राफ्ट, और उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करेंगे, तमाम चीजें चल रही थी। नीतीश की पार्टी ने कह दिया, केसी त्यागी ने कहा कि साहब यूसीसी पर पहले बातचीत कीजिए, लाइए न लाइए बात की बात है, लेकिन पहले बातचीत कीजिए, सभी स्टेक होल्डर्स आने चाहिए बातचीत की टेबल पर, तब आगे बात होगी। यानी बीजेपी के दोनों ही एजेंडे को फुस कर दिया, अभी सरकार भी नहीं बनी उससे पहले नीतीश कुमार। अब सोचिए अगर ये सरकार बन गई, नीतीश मंत्रिमंडल में आ गए नीतीश की पार्टी, तो फिर क्या होगा, कितना दबाव बनेगा हर एक मुद्दे पर। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक कील लगाने के लिए भी अब प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की बैठक बुलानी पड़ेगी, वहां से पास करवाना पड़ेगा, तब जाके वो फैसले होंगे। उधर चंद्रबाबू नायडू भी एक अलग तरह की राजनीति में हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सरकार तो चलो मैं बनवा दूंगा, बाहर से समर्थन दे देता हूं,
और मुझे स्पीकर का पद दे दीजिए और एनडीए का संयोजक बना दीजिए। वो पद मांगे जा रहे हैं जो बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। स्पीकर का पद चला गया तो फिर 150 सांसदों को कैसे सदन से बाहर किया जाएगा, कैसे फैसले होंगे? तो टीडीपी ने तो दूसरी तरफ दबाव बनाना शुरू किया कि भाई हमें स्पीकर का पद चाहिए और एनडीए का संयोजक पद चाहिए। नीतीश कह रहे हैं कि हमें यूसीसी मंजूर नहीं है, लाना है तो सबको बुलाइए, बैठाइए, स्टेक होल्डर से बातचीत कीजिए, अग्निवीर को वापस लीजिए। ये हालात तब हैं जब अभी बीजेपी की सरकार बनी नहीं है, अभी तय नहीं हुआ है किसके पास कौन सा मंत्री पद है, कौन मंत्री है कौन नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को आरएसएस ने मंजूर किया है नहीं किया है ये भी अभी तय नहीं है। अभी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुई है जिसमें तय हो पाए कि कौन चेहरा होगा। अभी तो सिर्फ ये हो रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी हैं, जो जीत के आए हुए हैं, उनको कम से कम मनाकर अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि उधर इंडिया गठबंधन तैयार बैठा है, अखिलेश यादव से लेकर अभिषेक बनर्जी तमाम लोग दिल्ली में हैं और टीडीपी से भी बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से भी बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी बात कर रही है। मतलब बातचीत ऐसी चल रही है कि कौन किस वक्त किधर चला जाए कुछ नहीं कह सकते आप। दबाव की राजनीति बीजेपी ने दबाव की सरकार चलाई नहीं पिछले 10 साल में, लेकिन आप देखिए अभी सरकार बनी नहीं, नीतीश ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और ये खेल हो गया। सुबह से जो ये बयान चल गया कि भाई अग्निवीर वापस और यूसीसी पर बातचीत पहले, बीजेपी के भीतर एक हलचल मचा दिया कि अब आगे आगे देखिए क्या करते हैं ये लोग, नीतीश कुमार आगे आगे क्या और नई चीजें लेकर आते हैं। रेल मंत्रालय तो वो मांग ही रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि टीडीपी और नीतीश की पार्टियां गृह मंत्रालय पर भी नजर रखे हुए, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय हमें चाहिए। अब गृह मंत्रालय हाथ से चला गया बीजेपी के तो ये तमाम सीबीआई ईडी इनकम टैक्स ये एजेंसियां अब तो फिर हाथ से चली गई, फिर वो वाली राजनीति कैसे होगी जो राजनीति कर करके महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, पूर्वोत्तर में सरकारें, ये तमाम जो खेल होता था वो कैसे होगा? उलझन में है बीजेपी और इतनी बड़ी उलझन में है कि अगर सरकार बनाने से इनकार करती है तो एक बहुत बड़ी फजीहत, और सरकार बना लेती है तो इस दबाव को कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार है कि मानने वाले नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, जो कभी भी यूसीसी, अग्निवीर, सीएनआरसी इस तरह के मुद्दों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। और यही वजह है कि नीतीश और टीडीपी कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के मुद्दे इस सरकार में उठे जिस सरकार में वो महत्वपूर्ण पार्टनर है, यानी कि सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अगर चलाएंगे, चेहरा जरूर हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन सरकार तो यही दोनों चलाएंगे तो फिर ये मंजूर नहीं होगा। अब खेल एक ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम स्कॉलरशिप, हज पे जाने वाले लोगों को कुछ सब्सिडी, तमाम चीजों देने का वादा कर चुके हैं। अब बीजेपी इस पर ताली बजाए या इसको इसका विरोध के समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को विरोध भी नहीं कर सकती, ताली भी नहीं बजा सकती, तो मुश्किल में अब इस बार तीसरी बार अगर शपथ ग्रहण हो जाता है बीजेपी का, फिलहाल अभी तारीख भी तय नहीं है, अभी संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुई, आरएसएस की तरफ से हरी झंडी भी नहीं मिली, राष्ट्रपति ने अभी बुलाया भी नहीं और राष्ट्रपति तक एनडीए का डेलीगेशन गया भी नहीं, तो अगर ये सब हो जाता है तो बहुत मुश्किल भरी डगर पे होगी ये सरकार। और ऐसे में नीतीश कुमार कभी भी भाई किधर भी चले जाते, आप देखिए प्लेन में थे, तेजस्वी यादव के साथ एक प्लेन कर लिया, भाई खर्चा कम करने के लिए एक प्लेन में आए, या भाई कोई और माजरा था? अब माजरा कुछ और भी हो सकता है, खर्चा कम करने के लिए भी आप समझ लीजिए एक ही प्लेन में आ गए तो अपनी सीट पे बैठे रहते, तेजस्वी को आगे बुला लिया, बिहार से चले थे अलग अलग सीटों पर और बिहार से दिल्ली के रास्ते में एक सीट पर आ गए। अब ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिहार की कुर्सी में ही परिवर्तन हो सकता है और दिल्ली में सियासत पे ही परिवर्तन हो सकता है, तो परिवर्तन के लिए तो नीतीश कुमार माने जाते हैं कि वो परिवर्तन कर देते हैं, अब वो जब वो करते हैं तो उस हिसाब से इसको भी देखने की जरूरत है कि ये जो दबाव है कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा है कि आखिर में एनडीए कहे कि बस भाई हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, आप सरकार कहीं और जाके बना लो, हम सरकार नहीं बना पाएंगे आपके साथ, और अगर मंजूर कर लेती है तो फिर ये नीतीश की बड़ी जीत हो जाएगी। और ऐसे में बीजेपी की हार्डकोर जो पॉलिसी है, हार्डकोर आइडियोलॉजी है, इसके जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तमाम बुलडोजर की बातें करते हैं, अलग अलग राज्य हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसी तरह की बुलडोजर की राजनीति का, उस पर लगाम लग जाएगी
जो हीट वेव चल रही है ना देश पे सेकुलरिज्म के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, वो हीट वेव रुक जाएगी। अब देख रहा होगा कि आने वाले वक्त में ये वेव किस तरह से चलती है। नीतीश कुमार और क्या कुछ मुद्दे उठाकर कहते हैं बीजेपी से, नहीं ये मानो ये या ये मानो, और चंद्रबाबू नायडू दरअसल वो किन इश्यूज को अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बिहार को भी स्पेशल स्टेटस चाहिए, आंध्र प्रदेश को भी चाहिए। अब सरकार बन गई है तो देना तो पड़ेगा, और नहीं देते हैं तो फिर ये एक मुद्दा बनेगा। बहरहाल तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, और बनती बिगड़ती सियासत पर नजर बनाकर हम रखे हुए हैं। तमाम हमारे वीडियोस आ भी रहे हैं, हर इश्यूज पर आप उसको देख सकते हैं, आगे तक पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और हम इस नई सरकार के बनने और विपक्ष की रणनीति और सत्ता पक्ष की रणनीति तमाम पर, तमाम हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में मेहमान आते हैं उनके साथ एनालाइज भी करते हैं, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बोलता हिंदुस्तान के साथ आप बने रहिए।